सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सच्ची खुशी तो बांटने में ही मिलती है, चाहे जीत हो या विचार। सफल होना चाहते हैं तो फल की नहीं अपने कर्म की चिंता करनी होगी। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य तथा सुनार के द्वारा पीटा गया लोहा, ये सब आभूषण ही बनते हैं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात। आज का पंचांग 5 दिसंबर 2022 दिन सोमवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 6:46 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र सुबह 6:15 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:13 से 9:32 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:30 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। त्योहार और व्रत की बात करें तो आज अनक त्रयोदशी व्रत, सोमवार प्रदोष व्रत और प्रदोष व्रत रहेगा। सिंह राशि 5 दिसंबर 2022 दिन सोमवार, आज का दिन तारीफ और प्रशंसा से भरा रहेगा। आपके बेहतरीन कामों के लिए पुरस्कार भी मिल सकते हैं। आपके सच के साथ बने रहने की खासियत से आप अपने से प्रतिस्पर्धा करने वाले कई लोगों के रोल मॉडल बन पाएंगे। आज कोई फैसला कार्यान्वित करने से पहले एक बार फिर से सोच लें। इस समय बेहतरीन ग्रह स्थिति बनी हुई है, उचित फायदा उठाएं। कोई आर्थिक योजना फलीभूत होने से मन प्रसन्न रहेगा। वाहन अथवा कोई बहुमूल्य वस्तु की खरीदारी की योजना है तो आज समय अनुकूल है। नए काम की शुरुआत करते समय आपको उत्साहित महसूस हो सकता है। लोगों से प्राप्त हो रहे साथ के कारण प्रसन्नता और विश्वास बढ़ेगा। अभी आप अपने ही विचारों में खोए रहेंगे। परिवार से आपको खुशियाँ मिल सकती है। व्यापार की शुरुआत से पहले अपनी कार्य क्षमता और ज्ञान को बढ़ाना होगा। पार्टनर की वजह से जीवन में खुशियाँ बनी रहेगी। लो बीपी की समस्या तकलीफ का कारण भी हो सकती है। सावधानियाँ, कुछ विरोधी आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु निश्चिंत रहें, इससे आपका कुछ भी अहित नहीं होगा। इस समय किसी भी तरह का लेन देन करना संबंधों में खटास ला सकता है और उधार दिए हुए पैसे की वापसी भी संभव नहीं होगी। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तकरार रह सकती है, इसीलिए धैर्य और शांति से काम लें। प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता भी आएगी। आज के दिन प्यार के लिए उपयुक्त है। अपने प्रिय के लिए अपनी प्रशंसा और प्यार का इजहार उसके लिए कुछ स्पेशल करके करें और देखें कि दिन कैसे खास बन जाएगा। रोमांस की संभावना है। अगर आप अकेले हैं तो आज आपकी मुलाकात अपने प्यार से हो सकती है या फिर आप अपने किसी करीबी को ही नए सिरे से रोमांटिक तरीके से देख सकती हैं। बात करते हैं करियर की। एक परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में आने का संकेत दे रहा है। आप अपनी नौकरी बदल सकती हैं या अपने कार्यालय में एक से दूसरे विभाग में आपका स्थानांतरण हो सकता है। यह ऐसी स्थिति होगी जिसको आप पसंद करेंगे और इन संभावनाओं का आप लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे, इसलिए आपको इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने की जरूरत है ताकि आपका करियर उचित दिशा में चलता रहे। मशीनरी स्टाफ आदि से जुड़े छोटे मोटे परेशानियां रहेगी, हालांकि आपकी गंभीरता और संजीदगी से उस पर काम करना आपको परेशानियों से निकाल भी देगा। सरकारी सेवारत लोगों को किसी परेशानी से राहत भी मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। डायबिटीज को रोक नियमित जांच करवाएं, लापरवाही नुकसानदायक रह सकती है। आप पिछले कई दिनों से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रही हैं और आपकी चिंता का कारण भी यही है। समझने की कोशिश करें कि आपके सोचने और करने के बीच का असंतुलन ही आपके निर्धारित किए हुए उद्देश्यों के
पूरा ना होने का मूल कारण है। खुद को राहत दें और अपेक्षा थोड़ी कम रखें। अगर आप अब शांति बनाकर नहीं रखेंगे तो बाद में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। आज का उपाय, आज अब शंकर भगवान जी की पूजा आराधना करें, अति शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।